सो जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर, या कहें तो टर्म वन का लास्ट चैप्टर, जिसका के नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जिसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल्स में बुक से, लेकिन अभी इस पीपीटी के मीडियम से हम लोग थोड़ा सा ये काम करने वाले हैं कि इन शॉर्ट थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज, जो बातें हमारे इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमको पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सॉरी मार्केटिंग का ट्रेडिशनल सेंस, मीनिंग के तौर पर मार्केटिंग का ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग के ट्रेडिशनल सेंस के ही बारे में। तो सबसे पहले इसी पर ध्यान देंगे सभी। आवाज़ सबको आ रही है ना? यस सर। तो देख सकते हो एक ये वर्ड सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था हम लोग के। क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? सर मार्केटर्स तो मार्केटर्स यस यस, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू रीड, बट ये जो मार्केटस वर्ड है दैट इज अ लैटिन वर्ड। जैसा लिखा है द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जो हम अभी पढ़ रहे हैं मार्केटस, विच मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हम सब ने कई बार डिक्शनरी में देखा होगा, कभी भी हम वर्ड को जब सर्च करते हैं मीनिंग के लिए तो अक्सर हम देखते हैं उसमें लैटिन वर्ड यूज बार बार होता है कि ये लैटिन वर्ड है, यहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मार्केट जो वर्ड है, मार्केट वर्ड को डिराइव किया गया है मार्केटस नाम के वर्ड से, लैटिन वर्ड, जिसका कि मतलब ही है एक प्लेस जहाँ बिजनेस किया जाता है। अब पिक्चर में जो दिखाया गया वो कोई नई चीज़ नहीं है किसी के लिए, सब लोग उस पिक्चर के इमेज से अवेयर हैं कि वो क्या है क्या नहीं। सो इट इज़ अ लोकेशन, मार्केट सबसे पहले ट्रेडिशनल सेंस के तौर पर क्या है कि इट इज़ अ लोकेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स असेंबल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। तो ट्रेडिशनल सेंस ये कहता है कि मार्केट एक ऐसा लोकेशन या प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स किसी गुड्स के असेंबल होते हैं और एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। देयर फॉर मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस। फाइनली ट्रेडिशनल सेंस क्या कहता है, तो कंक्लूजन सामने है कि मार्केट इज अ प्लेस, ये कहता है हमारा ट्रेडिशनल सेंस ऑफ मार्केट। अब जब आते हैं उसके आगे नेक्स्ट जो और बातें उसमें हमें जाननी है, तो मार्केट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, जैसे प्रोडक्ट का मार्केट, जैसे नेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल मार्केट, या देख रहे हो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द बायर्स, या बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कि हम बात कर रहे हैं मार्केट के अंडर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, वेट अ मिनट, प्रोडक्ट मार्केट, तो जैसे इमेज में कार को यहाँ दिखाया गया है, तो पेपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। देन ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट, ये कुछ उसके अंदर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बायर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें कंज्यूमर्स मार्केट आ गया, इंडस्ट्रियल मार्केट हो गया, जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में यूज़ होते हैं, जैसे हम सिलेंडर की भी बात कर सकते हैं, कुछ रसोई गैस होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं, तो वो सब टाइप्स ऑफ बायर्स हो जाते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। क्वांटिटी की बात करते हैं तो होलसेल एंड रियल ट्रेड, तुम लोग 11th में भी पढ़ चुके हो इन सब चीज़ों को। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ द मार्केट, और वैरायटी या वेरियस बेसिस इसमें यूज़ किया गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बेसिस पर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यही तीन नहीं होते हैं, दैट दीज आर ओनली द एग्जाम्पल्स। ज्योग्राफिकल के बेस पर भी बता दिया है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बायर्स भी बता दिया है, क्वांटिटी के हिसाब से बता दिया है, दीज आर द वेरियस नेम्स और कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट मार्केट्स। अब आते हैं मॉडर्न सेंस को लेते हैं और मार्केटिंग में जानेंगे कि मॉडर्न सेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ तक सबने सब कुछ सुना? आवाज़ क्लियर है सबको? यस ओके। तो मॉडर्न फॉर्म, अब आज हम जिस जमाने में रहते हैं हम सब जानते हैं मॉडर्न सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडिशनल बातों को हमें फॉलो तो करना है लेकिन जमाने के साथ भी चलना है। तो मॉडर्न फॉर्म की बात करें तो मार्केटिंग इस फॉर्म में क्या मीनिंग रखता है, जरा उसको सुनेंगे। एक तो तुम लोगों की क्लास में ये जो बीमारी है ना, लेट ज्वाइन करने की, मेरे समझ से बाहर है। टाइम पर कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता है।
आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. सो मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस. मॉडर्न सेंस की बात करते हैं तो द टर्म मार्केट रेफर्स टू द एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड. पोटेंशियल डिमांड मतलब फ्यूचर में होने वाले डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस. फ्यूचर में होने वाले किसी प्रोडक्ट के एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर हम करें तो उसको कहते हैं, बेसिकली इसको काउंट करता है हमारा मॉडर्न सेंस. ये हो गई एक छोटी सी बात. फिर एग्जांपल में दिया है, जैसे कि मार्केट फॉर कार इज बूमिंग मींस द इनहेंस्ड कलेक्टिव डिमांड फॉर कार्स. ये एग्जांपल दिया है. दैट इज नॉट कि इसी को ही बस एग्जैक्टली फॉलो करना है. ये सिंपली एक एग्जांपल के लिए लेने के लिए कहा गया है. नाउ मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर कम विथ द परव्यू ऑफ मार्केटिंग. तो ये जो अभी अभी हमने लाइन पढ़ा इस पर ध्यान देंगे, ये मॉडर्न मार्केटिंग का एक बहुत ही वाइड मीनिंग का रेंज है, जिसमें लिखा है ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नॉट ओनली एक्सचेंज, बल्कि उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर कम विद इन द परव्यू ऑफ द मार्केटिंग. तो यानी जो ट्रेडिशनल हमारा कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, उससे बहुत ही ब्रॉडर एक मीनिंग रखता है हमारा मॉडर्न अप्रोच. दे इंक्लूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा. ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. नाउ मार्केट के बारे में हमने ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न अप्रोच है वो सुन लिया, वो समझ लिया. अब थोड़ा सा आते हैं मार्केटिंग वर्ड की तरफ. पिछले ही बातों को जो हमने पढ़ा, सबको क्लियर है वहां तक? यस सर. यस सर. ओके, तो अब हम मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं. लिखा दो सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन. ये जो दो वर्ड लिखा है, सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग. दे आर नॉट एवरीथिंग. मार्केटिंग के अंदर ये दो वर्ड है, सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, ये इंटेग्रल पार्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास पार्ट है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यही सब कुछ है, बहुत कुछ और भी है. देयरफॉर मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट्स of the consumers and finding out ways and means for satisfying them. तो marketing में जो selling और sales promotion है, obviously ये उसके एक बहुत ही खास steps है या चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बहुत कुछ और भी हैं. जैसे बोला गया है कि ये concern है या ये relate करता है with the identification of needs and wants of the consumer. सबने economics में पढ़ा हुआ है consumer का need and wants क्या होते हैं. तो वही बोला गया, consumers के need and wants को identify करना या समझना, एंड फाइंडिंग आउट द वे एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग देम, और वो तरीका पता लगाना जिससे कि उनके उन नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जा सके. जैसे आज के ज़माने में हम हर एक प्रॉब्लम से जब सामने रूबरू होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है, बट इसका सोल्यूशन क्या है. तो वो जो सोल्यूशन होता है वो डेफिनेटली किसी नए प्रोडक्ट का एक आविष्कार या स्टार्ट होता है. तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन दिस स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है. अब डेफिनेशन एक सामने है. Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services through producers to consumer or users. और कहाँ से definition मिला वो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं repeat करूँगा, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे. Marketing का मतलब हुआ performance of business activities that direct the flow of goods and services through producer to consumers or users. तो producer से लेकर के consumer या उसके जो users हैं वहां तक से related जो activities हैं वो इसमें include की जाती हैं, ये definition में लिखी गई हैं. एक और definition की बात करें तो marketing is a social process by which individuals and group obtain what they need. देखो ये बहुत ही एक broader definition कह सकते हैं, काफी कुछ बातें इसके अंदर लिखी हैं कि marketing का मतलब एक social process है जिसमें कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑप्टेन करते हैं क्या चीज, व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू विद अदर्स. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन जिन्होंने दिया, उसके उनके भी बारे में यहाँ देख सकते हो. तो वो खैर बातें हमारे एग्जाम में जनरली नहीं आती हैं, तो इसलिए मेन तो डेफिनेशन है उसको ही ध्यान देना है. अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे क्योंकि डिटेल्स में बुक्स में हम बातें करेंगे अभी. तो फीचर ऑफ मार्केटिंग में जैसे देख सकते हैं क्या बेसिक बात बताई गई है, नीड एंड वांट्स.
नीड एंड वॉन्ट्स को आमतौर पर हम एक तरह लेके चलते हैं, लेकिन जब हम बुक से भी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली चीजों को क्लियर अच्छे से करेंगे कि मार्केटिंग प्रोसेस हेल्प्स द पीपल इन गेटिंग व्हाट दे वांट, लोग जो चाहते हैं उन तक वो पहुंचाना, ये मार्केटिंग प्रोसेस में होता है। एंड द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड देयर वांट्स। अब यहाँ वांट्स वर्सेस नीड्स दिया है, ये बात क्लियर रखेंगे सभी, नीड एंड वांट्स सेम चीज नहीं होता है। अ मार्केटर्स जॉब इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली। तो भाई देखो, जो तुम्हारी जरूरत है वो तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ मिले हमें, और प्रोड्यूसर का यही काम है कि उसको पहचानो या उसको रिसर्च करो, पता लगाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करो। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ये है उसका पहला फीचर, नीड्स एंड वांट्स। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट, जैसा देख रहे हो यहां लिखा है फीचर्स में, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग को क्रिएट करना। अब ये क्या है? तो मार्केट ऑफरिंग मीन्स अ कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब जैसे एग्जांपल, कोई खास अनजाना मतलब नहीं है, सबके नॉलेज में ये चीजें हैं, डाबर रेड टूथपेस्ट। व्हाइल ऑफरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, इट शुड इंक्लूड द फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट, प्राइस, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा। जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं या कहें तो कंज्यूमर्स को ऑफर करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज डेफिनेटली मार्केट में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा फीचर्स नंबर टू, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। थर्ड आता है कस्टमर वैल्यू। कंज्यूमर्स बाय अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू टू सेटिस्फाई देयर नीड। कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ताकि उसके नीड्स को सेटिस्फाई वो कर सके, मतलब वो ये नहीं चाहता कि उसकी नीड्स सेटिस्फाइड हुए लेकिन उसके बदले उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू पे, वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए कि जितना उसने वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड सेटिस्फाइड हो रही है। तो एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पर, माउथ फ्रेशनर एंड टूथपेस्ट। So the marketer should always add value to his product so that the consumer prefer it. सीधी सी बात है, मार्केट में जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डाबर लाल का देखा, अभी कोई और देख रहे हैं, कोई और हमें दिमाग में आ रहा होगा, हो सकता है उन सबसे अलग तुम कोई और टूथपेस्ट यूज करते हो घर पे, तो है तो सब टूथपेस्ट लेकिन सब में कुछ अलग अलग बातें भी हैं। तो ये काम सिर्फ मार्केटर का है कि वो पता लगाए कि कंज्यूमर्स को ऐसा हम अलग से उसमें क्या वैल्यू ऐड कर दे जिसके वजह से वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, उसको लगे कि नहीं ये टूथपेस्ट तो है लेकिन ये इसकी बात ही अलग है बाकी सबसे, तो वो इसको जरूर खरीदे। तो इसको कहेंगे कस्टमर वैल्यू। फिर आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग का मतलब यानी फीचर्स में एक्सचेंज का मैकेनिज्म। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टूगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम समवन इन रिटर्न मेकिंग अ पेमेंट टू अदर्स। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, कुछ पैसे ये दे रहे हैं इनको और बदले में ये कुछ सामान हैंड ओवर कर रहे हैं इनको, तो इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये मार्केटिंग का एक बेसिक फीचर जो सब लोग अच्छे से जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ एसेंशियल कंडीशंस हैं मार्केटिंग मैकेनिज्म के अंदर, तो टू पार्टीज जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स ऑफरिंग समथिंग, दो लोग हैं तो दो लोग में कुछ ऑफर भी होना चाहिए, जैसे सेलर ऑफर एक प्रोडक्ट के लिए करता है या बायर मनी के लिए करता है। देन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता तब तक वो काम भी नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को देखना या बोलना बड़ा जरूरी है, बस जिस भी माध्यम से दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ईच पार्टी शुड कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देन फ्रीडम, ईच पार्टी हैज द फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। जैसे बायर है तो बायर के पास ऑफर मतलब फ्रीडम रहता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, या फिर जो सेलर है उसके पास भी ऑफर फ्रीडम है कि वो उस मनी को जो इन रिटर्न उसके बेचने पर मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह से फ्रीडम होता है दोनों पार्टीज के पास। एंड वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ऑफर मस्ट नॉट बी ऑन कंपल्सन। जैसे हम भी मार्केट में जाते हैं, हम किसी से कोई प्रोडक्ट पूछते हैं कितने का है कैसे है, तो वो दुकानदार ये डंडा लेकर नहीं बोलता हमको, डंडा लेके मारेंगे तुमको अगर नहीं खरीदोगे, तो ऐसा नहीं हमें वो बोलता है। हमको बंदूक के ऊपर नहीं बोलता कि अब तो आप दुकान में घुस गए आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये सारे वो फीचर्स है जो हम लोग अपने रियल लाइफ में फील करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। और फाइनली जो हमने फीचर्स अभी पढ़े हैं उनको एक शॉर्ट समरी के तौर पर सामने तुम लोग देख पा रहे हो, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएशन अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। यहीं तक का टॉपिक आज हमें पढ़ना है।
और जिसके लिए मैंने सोचा कि इस पीपीटी से थोड़ा सा हम लोग को पहले दिखा दूं एंड उसके बाद हम बात करेंगे अपने बुक से, ठीक है? तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पर। सब लोग दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ? यस सर। यस सर। अब हमने जो कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत सबको आइडिया मिल चुका है मार्केटिंग के इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है आज के लिए, और कितना हम लोग पढ़ चुके वो भी तुम लोग देख चुके हो। तो अब बुक से जानेंगे कि क्या क्या है हमारे टॉपिक के अंदर में। और हाँ, सब लोग को बता देता हूँ कि बुक में जितना कंटेंट दिया है इसका ये मतलब नहीं कि ये सब पढ़ना है। टर्म वन का जो सिलेबस तुम लोगों को बताया गया उसको देख करके जो अननेसेसरी टॉपिक इसमें है उसमें डिलीट जरूर कर लेना। खासकर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले इस कैटेगरी में वो चीज़ें हैं मौजूद जिसमें कि डिलीशन का पोर्शन अवेलेबल है, तो अच्छे से स्कैन करके डिलीशन के टॉपिक को मेंशन तुम लोग को या टिक तुम लोग को लगा लेना है, ठीक है? ये बात सबको ध्यान में होना चाहिए। नाउ अब जैसा तुम लोग देख रहे हो इस फर्स्ट पेज पर तुम लोग को डेफिनेशन मैंने दिखाया है, और जो हम लोग कुछ पढ़ भी चुके हैं और उनमें से ये वाला डेफिनेशन हमने कुछ पढ़ा था, कई सारा डेफिनेशन है। अब जो तुम लोग को ईजी लगता हो उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है? तो जैसे शॉर्ट में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज, आवाज आ रही है सबको? यस सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सिंपल सा है लेकिन हमारे काम का है कि मार्केटिंग इज अ फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गई डेफिनेशन की बात जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पीपीटी में। नाउ सीधे जो मेन मुद्दा आज का है मैं यहां ले आता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पर। बहुत कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन की है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अब। तो अब हम डेप्थ में एंटर करने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में। तो द टर्म मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। कई लोगों के अपने अलग अलग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अलग अलग बातों को हम समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट, सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज द सेम थिंग एज शॉपिंग। कई लोगों का ये मानना है कि जो शॉपिंग का मतलब होता है वही मतलब बेसिकली होता है मार्केटिंग का। अब कई लोग इस बात को एग्री भी करते हैं, कई लोग नहीं भी करते, सबके अपने अपने रीजन है। That is, according to them, shopping of certain products or services is marketing. तो जिन लोगों का ये मानना है कि marketing कुछ और नहीं shopping ही है, उनका ये कहना है कि shopping किसी भी products और service का जब हम करते हैं तो इसी को हम marketing कहते हैं। अब ये कहाँ तक गलत या सही है तुम लोग फैसला खुद ले पाओगे, लेकिन तब जब chapter को और detail में पढ़ लोगे और समझ लोगे। Some other people कन्फ्यूज मार्केटिंग विद सेलिंग। कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं सेलिंग और मार्केटिंग को लेकर, वो उसको सेम मानते हैं एंड फील दैट मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो ये कुछ लोगों का मानना है। एंड सम पीपल डिस्क्राइब इट टू मीन मर्चेंडाइजिंग और डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट। कुछ लोगों का इसका मतलब निकलता है डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट या मर्चेंडाइजिंग, एक ही बात है, उससे इसको लेकर चलते हैं। तो ये अलग अलग लोगों का अपना अपना एक परसेप्शन है, व्यू है रिगार्डिंग मार्केटिंग। कौन गलत या कौन सही है वो बातें हमें पढ़नी है डिटेल में और समझनी है। तो लिखा है ऑल दीज डिस्क्रिप्शन मे बी पार्टली करेक्ट। ध्यान से इस वर्ड को देखेंगे, ये जितने भी तीन तरह के हमने मीनिंग को अभी यहां देखा है मार्केटिंग से रिलेटेड, हो सकता है पार्शियली करेक्ट हैं, बट मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। जो लिखा है उससे काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। देर आर टू अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग जिसमें हमने अभी अभी देखा भी था पीपीटी में, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ये दो अप्रोचेज हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला आता है ट्रेडिशनल सेंस। तो ट्रेडिशनल सेंस में क्या हमने पढ़ा था वो ध्यान होगा सबको, और अब हम रिपीट करते हैं उसी को। मार्केटिंग रेफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये लाइन्स हमने उसमें देखा था। मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन और एक्टिविटीज। तो ये है कुछ सिंपल सी बातें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। और उसके अलावा लिखा है मॉडर्न सेंस की बात करते हैं, तो मॉडर्न सेंस में लिखा है मार्केटिंग रेफर्स टू अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड
want through creating offering and freely exchanging products and services of the value with others. तो ये हो गया हमारा मॉडर्न अप्रोच, जो क्लियरली बताता है कि मार्केटिंग की मीनिंग सिर्फ वही नहीं है जो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल व्यू में समझा जाता था. अंडर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड. ये बहुत खास बात है ध्यान रखने वाली. मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है इससे पहले कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो और चलता रहता है जब तक गुड्स सोल्ड हो जाए उसके बाद भी. मतलब प्रोडक्शन शुरू होने से पहले से लेकर के गुड्स को बेच लेने के बाद तक ये चलता रहता है. और इसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑल दोज एक्टिविटीज विच सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपने प्रेजेंट कस्टमर्स और फ्यूचर में बनने वाले कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखना यानी सेटिस्फाई करना, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. सब लोग यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? तो सबसे पहले तो हम फीचर्स जो पढ़े उससे पहले भी हम ये जानेंगे जरूर नीड्स एंड वांट्स को थोड़ा सा डिटेल में. जैसा इस पैराग्राफ में देखा है मैंने, मेक इट क्लियर लिखा भी है तो एक बार उसी को जरूर देखेंगे सभी. लिखा है नीड आर बेसिक टू ह्यूमन बींग्स. नीड्स जो होते हैं वो बेसिक चीजें होती हैं ह्यूमन बींग्स की एंड डू नॉट परटेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वेयर एज wants are culturally defined objects that are potential satisfiers of the needs. मतलब उसी needs को पूरा करने के लिए जो आपका prescription होता है, preference होता है, that is called your need, your want. तो need priority है and want उसका sub category है कह सकते हैं. Now example से clear करते हैं. Basic need for food may take various forms such as want for dosa for South Indians, want for chapati for North Indian person. देखो तो चाहे वो South Indian peoples हैं चाहे वो North Indian peoples हैं, दोनों का basic need तो एक ही हुआ ना, वो था hunger को satisfy करना, भूख लगी है पेट भरना, ये इनका basic need है. लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो क्या चाहते हैं? तो बेसिकली साउथ इंडियन है तो वो प्रीफर कर रहे हैं साउथ इंडियन वेजिटेबल्स सॉरी फूड को, जिसमें बेसिकली क्या आता है डोसा इडली ये सब चीज़ें आ गए. अब नॉर्थ इंडियन है तो भाई टिपिकल नॉर्थ इंडियन चपाती यानी रोटी वगैरह चावल ये सब खाएंगे, है ना. तो इस तरीके से दोनों का जो बेसिक नीड है वो तो एक ही है कि भूख लगी है पेट जो है शांत करना है, खाना चाहिए. लेकिन दोनों के खाने का जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग हो सकता है एंड दैट इज कॉल्ड देयर वॉन्ट्स. तो सभी लोगों को नीड एंड वॉन्ट अब क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स को डिटेल में. जैसे मैंने पहले भी कहा फीचर्स को हमने वहां पॉइंट आउट कर लिया था, देख सकते हो वही चारों हेडिंग है 1, 2, 3 और ये 4. लेकिन अब डिटेल्स में हम बात करेंगे इन्हीं चारों को तो अच्छे से आप समझेंगे सभी. तो पहला पॉइंट ऑफ फीचर ऑफ मार्केटिंग है नीड एंड वॉन्ट. तो लिखा है द फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो मार्केटिंग का बेसिक फोकस यही होता है कि लोगों के इंडिविजुअल्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना. एंड अनसेटिस्फाइड नीड मेक अ पर्सन अनहैप्पी. और जब किसी की नीड अनसेटिस्फाइड रहती है तो वो अनहैप्पी रहता है. तुम ही को भूख लगी है लेकिन तुमको तुम्हारी नीड पूरी नहीं की जाए तो तुम अपने आप को अनहैप्पी फील करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. एंड अनकंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर फूड मेक अ हंग्री पर्सन अनकंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट फॉर सेटिस्फाइंग हंगर. जैसे क्लासरूम में अक्सर होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं, तुम लोग को भूख लगी है और लंच ब्रेक होने में आधे घंटे हैं तो तुम लोग बार बार घड़ी देखते हो, बार बार टेबल सामने देखते हो कि कब बेल बजेगी तो हम लोग दौड़ के जाएंगे टिफिन शुरू करेंगे और तुम लोग का जो मेन फोकस होता है वो हट जाता है कहीं ना कहीं और चाहते हो कैसे भी कि खाने का मौका मिल जाए. इतने में क्या होता है कि टीचर को प्रिंसिपल सर ने बुला लिया. अब भाई टीचर चला गया प्रिंसिपल केबिन, जिसको भूख लगी उन्होंने टिफिन खोला और इतने में शुरू हो गया. टीचर एंटर करता है तुम्हारा चल जाता है टिफिन खोल लिया गया. ये चीज तुम लोग भी करते हो, ऐसा अक्सर करते हैं, ये बच्चे तो शरारती करते ही हैं. तो खैर ये चीजें हैं, यही बात बताई जा रही है कि जब किसी की नीड पूरी नहीं होती है तो वो अनहैप्पी या अनकंफर्टेबल रहता है. इसीलिए बेसिक बात यही है कि सभी के नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये हमारे मार्केटिंग का प्राइम पर्पस या ऑब्जेक्ट है. मार्केटिंग एम्स टू आइडेंटिफाई. तो मार्केटिंग क्या करता है, रिसर्च करता है इस चीज पर कि कौन सी ऐसी नीड है जो अभी तक अनसेटिस्फाइड है और टारगेट करता उन लोगों को जिनको उसे सेटिस्फाई करना है. तो उसके लिए वो वैसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं ताकि उनके उस नीड को पूरा कर सके.
ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि भाई मान लो कोई ऐसा सिस्टम होता कि जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तुम में से कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो तो मुझे इससे बैक जाना पड़ता है, फिर गूगल क्लासरूम में एंटर करना पड़ता है, देन मैं तुम लोगों को परमिट करता हूँ। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास लूँ, तुम में से जो लेट आया वो तुरंत एंटर कर जाए और मेरे पास रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए कि बच्चा कितने बजे आया और कितना लेट हुआ। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए गूगल वालों ने बना दिया गूगल जी सूट के नाम से। तो जी सूट में वो सारा फैसिलिटी दे दिया गया कि अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चा अपने आप एंटर हो जाएगा और कितने बजे एंटर करेगा वो भी लिख के आ जाएगा, कितने बजे उसने छोड़ दिया वो भी लिख के आ जाएगा, पूरा डिटेल दे देगा। तो ये चीज़ हो गया नीड और उसको सेटिस्फाई करना। तो इस तरह से हमारे नीड्स जो होते हैं वो जब अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू लोग उसको, सॉरी लोग मतलब कि जो सप्लायर्स लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं या सर्विसेज बनाते हैं और उनके नीड्स को पूरा किया जाता है। तो सब लोग को ये पहला पॉइंट समझ में आ गया फीचर्स का डिटेल में? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें लिखा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना, तो मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट। भाई देखो सीधी सी बात है, आपने अपने दुकान में किसी प्रोडक्ट को रखा है तो ऐसे ही वो प्रोडक्ट नहीं बिक जाएगा, तब तक नहीं बिकेगा जब तक कि उस कस्टमर को एकदम वो जरूरी ना हो या फिर उसको उसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी वो खरीद ले। ऐसा तभी होगा जब आप उसके लिए कुछ खास करें उसमें। तो वही बोल रहे हैं कि मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। और यही वजह है जिस वजह से हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। हम ये बात मानते हैं कि जब तक वो चीज़ आंखों के सामने दिखती है तब तक लोग उसको याद रखते हैं और खरीदते हैं। जैसे ही लोगों को दिखना बंद हो जाएगा तो लोग नेक्स्ट चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो चाहे जितना भी ब्रांडेड कंपनी क्यों ना हो, बल्कि हम ये कह सकते हैं अच्छे से सोच समझ कर कि जो जितनी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उतना ही उनका प्रोडक्ट्स हमारा एडवर्टीजमेंट में दिखाई देता है, और जितने ही लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं उनका उतना ही प्रोडक्ट्स कभी एडवर्टीजमेंट में दिखाई नहीं देता है। ये सच्चाई है। तो इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को भूल जाए, तो वो इस तरह के ऑफरिंग क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स याद रहे। एग्जांपल्स हैं कि ऑफर, इफ ऑफर इज फॉर लैपटॉप, अगर लैपटॉप की ऑफर की बात करते हैं, देन मार्केटर स्पेसिफाइज द फीचर ऑफ सच एज साइज ऑफ द हार्ड डिस्क, रैम एटसेट्रा। मोबाइल फोन सबके लिए कॉमन है, तुम लोग मोबाइल फोन में भी इस एग्जांपल को सेट कर सकते हो कि एक मोबाइल फोन जो कंपनी है वो कैसे अपने कंज्यूमर्स को ऑफरिंग करेगी। वो बताएगी मोबाइल के कैमरे का पिक्सल, वो बताएगी मोबाइल का साइज, वो बताएगी मोबाइल कितना स्लिम है या फिर उसके ग्लास की क्वालिटी या और भी जो रैम होता है, रोम होता है, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें स्पेसिफाइड किया जाता है। तब जाके लगता है कंज्यूमर को कि अरे ये क्या, मेरे पास तो मोबाइल फोन है लेकिन उसका पिक्सल तो ओनली 64 मेगापिक्सल है, लेकिन ये तो कितना और भी ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, ये रैम इतना अच्छा दे रहे हैं, या हमारे पास 4G फोन है वो 5G दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इस फोन को खरीद लें। तो इस जब लोगों को पता चलता है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में तब लोग अपने आप उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। तो अ गुड मार्केट ऑफर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर एनालाइजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स। सभी लोग क्लियर हो गए ये पॉइंट? Yes, sir. चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें है कस्टमर वैल्यू। व्हाइल बाइंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर एनालाइज इट्स कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट। जैसे तुमको बहुत प्यास लगी है तो तुम्हारा पहला मेन प्रेफरेंस होता है कि तुमको प्यास बुझाना है, ना कि तुम ये सोचते हो हम इत्मीनान से एक जगह होटल में बैठेंगे फिर एक ग्लास का ऑर्डर देंगे, वेटर लाएगा फिर पियेंगे और तब हम कहेंगे हमारी प्यास बुझ गई। नहीं, हमको तो प्रायोरिटी ये दिखती है पानी बस मिले, दो घुट पानी पी ले हमारा प्यास बुझ जाए। यही है वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। तो एक कस्टमर चाहता है कि जो चीज़ उसकी नीड पूरी हो रही है उसके बदले ऑब्वियसली बात है वो कोई ना कोई कॉस्ट दे ही रहा है, तो जितना वो कॉस्ट दे रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिला है कि नहीं। अच्छा, तुम लोग क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़े हो तुम लोग सबको इसको अच्छे से शायद जान चुके होगे अब तक 11th और 12th मिला करके, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ा है सब लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। Yes, sir.
तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कंज्यूमर के कॉस्ट और सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है, इसके बारे में डिटेल में जाकर मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि जितने भी कॉस्ट हम पे करते हैं से ₹10 फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उससे मिलने वाले जो यूटिल्स होते हैं यानी उसके सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है, उनका जो क्वांटिटी है, कंपैरिजन है, वो कैसा हो जिसके बाद एक कस्टमर अपने आप को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पर फील करे, वो सब तुम लोग पढ़े हुए हो। कंज्यूमर बाइज इट ओनली व्हेन ही फील्स दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर मनी। एक कस्टमर को लगता है कि मैं ₹10 दे करके एक गिलास पानी पी सकता हूं, और दूसरे कस्टमर को दिखाई दे रहा है कि ₹10 दे करके वो एक गिलास लस्सी भी पी सकता है। तो दोनों ने जब कंपेयर किया तो लगता है लोगों को कि भाई ₹10 में गिलास पानी भी मिल रहा है, एक गिलास लस्सी भी मिल रहा है। तो नीड्स को सामने रखकर जब कंपेयर किया तो लोगों को लगता है कि भाई लस्सी पीना ज्यादा उचित है। तो भाई दोनों ने इसको फिल किया, उनको लगा कि मेरे ₹10 की वैल्यू इसमें ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है, इसमें नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसको प्रेफर कर लिया। तो यही बात आती है कि एक कंज्यूमर तभी प्रोडक्ट खरीदता है जब उसको लगता है कि प्रोडक्ट में दिया जाने वाला कॉस्ट जो होता है उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। मार्केटर्स जॉब इज टू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट पीपल प्रिफर इट मोर देन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड डिसाइड टू परचेज इट। तो ऑब्वियस ये बात है, कॉम्पिटिशन बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सभी के प्रेफरेंसेस को छोड़कर तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई अगर चूज करे तो क्यों करे, सीधी सी बात है, क्यों करे। तो इसीलिए मार्केटर का काम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड करे जिसके वजह से आप उसको खरीदें। जैसे हम सर्फ, तो बहुत सारे तरह के डिटर्जेंट सर्फ आते हैं, सोप आते हैं, लेकिन सबके अपने अपने खासियत हैं। किसी में बड़ी अच्छी खुशबू है, तो किसी में डस्ट को अच्छे से क्लीन करने की ताकत है, तो कुछ ऐसा है कुछ जो नाम है हैंड्स के लिए मतलब हेल्दी है, हाथों को नुकसान नहीं करता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को हम अपने प्रोडक्ट में अगर ऐड करके एडवर्टाइज करते हैं तो लोगों तक जब ये मैसेज पहुंचता है तो उनको लगता है कि क्यों हम उस प्रोडक्ट को खरीदें, उससे अच्छा तो ये वाला प्रोडक्ट है, इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें काम ऐसा ही करना है कि अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करें सो दैट कि कस्टमर डिसाइड करे कि हमें परचेज करना है और प्रिफर करना है दूसरे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के मुकाबले उसको। तो क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट भी, कस्टमर वैल्यू का पॉइंट। यस सर सो अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट फीचर्स पर जिसमें लिखा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। खैर बहुत सिंपल सा पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और वैल्यूएबल कॉन्सिडरेशन। सब जानते हो कि जब हम एक मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है इन लieu ऑफ मनी और अदर देन कैश। वो जरूरी नहीं है कि बदले में हम पैसे ही देते हैं, कुछ पैसों के बदले और भी चीजें हो सकती है जिसको हम अच्छे से जानते हैं एज बार्टर सिस्टम। सबने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते ये बात पढ़ी है, क्लास 9th में भी इवन पढ़ी होंगी। एक्सचेंज टेक प्लेस व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन इन रिटर्न ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बाकी ये बातें सबको अच्छे से मालूम है तो और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू एनीवन। नाउ एक आखिरी सा हिस्सा हमारे आज के इस टॉपिक में, आज के इन लेक्चर्स में, देखो ये सब बातें पहले ही तुम लोगों ने स्लाइड्स में देखी थी। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस चीज को हम मार्केट कर सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स में, जैसे टीवी है, आईपॉड्स है, टूथपेस्ट है। सर्विसेज के अंदर जैसे दिया इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग वगैरह है। आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं, उसके अंदर भी देखो लिखा हुआ है लाइक पोलियो वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, ब्लड डोनेशन एटसेट्रा। पर्सन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, प्लेस लाइक विजिट उदयपुर, ये टूरिज्म में आ गया। एक्सपीरियंसेस लाइक लंच विद अ सेलिब्रिटी, ये सब हमारे क्या है, मार्केटिंग के वेरियस आइडियाज हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं, खैर वो तो एक नॉर्मल से नॉलेज की बातें थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं नेक्स्ट चीज पर, मीनिंग ऑफ मार्केटर। मार्केटर रेफर टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मार्केटर वही पर्सन होगा या कहलाएगा जो एक्सचेंज के प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। जनरली इट इज द सेलर, आमतौर पर यही होता है, सेलर ही होता है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है इस प्रोसेस में। हु इज मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस एज ही एनालाइज द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, डेवलप मार्केटिंग ऑफरिंग एंड परसुएट्स द बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो मीनिंग हमने पढ़ा है उसको देखकर ये क्लियर हो जाता है कि मार्केटर कोई और नहीं है, वो कौन हो सकता है, सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जो सेलर लिखा हुआ है पर सेलर को ही बेसिकली मार्केटर के नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ चीजें पढ़नी है, लेकिन आज के लेक्चर्स में बस इतना ही हमें पढ़ना था।
तो क्या सभी चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? यस सर। यस सर।